Hello dear friends, welcome back to my channel Let's Learn with AK. Today we are going to start Cramer's method. पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड को बहुत अच्छे से किया है. नाउ क्रेमर्स मेथड. सो जब मैंने आपको ये स्टार्ट करवाया था कि आप कैसे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, तो वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था कि देर आर टू मेथड्स टू सोल्व देम. फर्स्ट वन इज योर मैट्रिक्स मेथड एंड अनदर वन इज योर क्रेमर्स मेथड. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस क्रेमर्स मेथड. ये आपका सीबीएसई बोर्ड में भी है प्लस आरबीएसई बोर्ड में भी है, बट जो क्रेमर्स मेथड है दिस इज ओनली इन योर आरबीएसई बोर्ड. सो इफ सीबीएसई स्टूडेंट्स वांट टू स्किप दिस वीडियो दे कैन डू, बट अगर नॉलेज चाहिए उनको तो ये क्रेमर्स मेथड भी आप यूज कर सकते हैं. ये आपका जेई के सिलेबस में है, सो ये आपके लिए वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है क्रेमर्स मेथड भी. ठीक है, एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज गिव फीडबैक टू एवरी वीडियो. अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको फीडबैक देना चाहिए, क्योंकि दैट फीडबैक विल मोटिवेट मी टू डू मच मोर बेटर. सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो क्रेमर्स मेथड के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मेरे पास टू इक्वेशंस दे रखी है, टू लीनियर इक्वेशंस दे रखी है आपको. लेट सपोज, तो मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन है a1x plus b1y equal to c1, एंड वी हैव अनदर इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू. सो वॉट विल यू डू? तो देखिए प्यारे बच्चों, आप जो मेरे कोफिशियंट्स है ना उनका मैट्रिक्स बनाएंगे. सो ए वन बी वन ए टू बी टू, ये क्या है आपका एक कोफिशियंट का मैट्रिक्स है. इज इट ओके? कोफिशियंट मैट्रिक्स. एंड कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स क्या है मेरा? C1, C2, ये आपका कॉन्स्टेंट का मैट्रिक्स है. कुछ नया नहीं बताया, सेम वही जो हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड में डिस्कस किया था. इसके बाद देखिए कि जो आपका कोफिशियंट मैट्रिक्स आया है ना, उसका आप डिटरमिनेंट लेंगे एंड उसको आप शो करेंगे डेल्टा से, बिकॉज आपको मालूम है डेल्टा से आप डिटरमिनेंट को शो करते हैं. सो आई विल शो दिस डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशियंट मैट्रिक्स बाई डेल्टा. तो ये क्या बनेगा आपका? ए वन ए टू बी वन बी टू. इज इट ओके? अब मैं दो डेल्टाज और निकालूंगा. पहला डेल्टा जिसको मैं डेल्टा वन लिखूंगा एंड अनदर विल बी योर डेल्टा टू. अब जो मेरा डेल्टा वन है उसको मैं कैसे लिखूंगा? देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा वन लिख रहा हूँ ना, तो जो मेरी पहला कॉलम है, जो मेरा इस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम है ना, इस डिटरमिनेंट का जो पहला कॉलम है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा जो मेरे कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स है ना उसके एलिमेंट्स से. सो ए वन ए टू की जगह मैं क्या लिख दूंगा? सी वन सी टू. एंड जो आपका सेकंड कॉलम है वो एज इट इज ही रहेगा. बात क्लियर है? नाउ अगर आपको डेल्टा टू लिखना है तो आप क्या करोगे कि जो मेरा पहला कॉलम है ना वो इस बार सेम रहेगा एंड जो आपका सेकंड कॉलम है, सेकंड कॉलम मेरा ये है ना बी वन बी टू वाला, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? कांस्टेंट वाले एलिमेंट से. सो सी वन सी टू. इज इट ओके? सो लुक हियर, ये आपके पास दो इक्वेशंस, ये आपने कोफिशियंट मैट्रिक्स बना दिया. चाहो तो आप इसको लिखो चाहे आप ना लिखो. अब मैं एक डिफाइन करता हूं डेल्टा. ये क्या है मेरा? डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स. सो ए वन बी वन ए टू बी टू का डिटर्मिनेंट. नाउ आई विल डिफाइन डेल्टा वन. सो डेल्टा वन कैसे मिले? देखिए, ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग सी वन मीन्स कॉलम वन, कॉलम वन इन डेल्टा बाय राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन इक्वेशंस. वही बात है, कॉन्स्टेंट वाले टर्म से मुझे इसको रिप्लेस करना होता है. सो ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग सी वन इन डेल्टा, that is column one in delta by right hand side of the equations. So मैं delta में column one ये है ना a one a two, तो इसको मैं replace कर दूंगा किससे? जो मेरे equation के right hand side में क्या है? c one c two. So मैं इसको इससे replace कर दूंगा. clear है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? delta one हो जाएगा. अब delta two कैसे मिलेगा? कि जो आपका column two है ना delta में, उसको मैं replace करूंगा by the right hand side. सो डेल्टा टू विल बी ए वन ए टू सी वन सी टू. क्लियर है ना? मैंने बी वन बी टू की जगह लिखा सी वन सी टू लिखा.
इज इट ओके, सी वन सी टू लिखा। अब जो आपका एक्स का वैल्यू है ना, एक्स योर एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा एंड वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा टू बाई डेल्टा, इज इट ओके। एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वन बाई डेल्टा एंड वाई इक्वल्स टू डेल्टा टू बाई डेल्टा, वेरी क्लियर, ठीक है। अब किसी को ये पूछना हो कि सर ये आया कैसे, तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। देखिए चलिए, हम लोग ए वन एक्स इसको है ना, आपने क्लास टेंथ में पढ़ा है ना कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशंस को सोल्व करने का, तो उसकी हेल्प लेता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स का कोफिशियंट सेम बना रहा हूँ। तो एक्स का कोफिशियंट अगर सेम बनाना है मुझे, तो मैं पहली इक्वेशंस को ए टू से मल्टीप्लाई करूँगा एंड दूसरी इक्वेशन को मैं ए वन से मल्टीप्लाई करूँगा ना। सो वॉट विल यू गेट कि ए वन ए टू एक्स प्लस बी वन ए टू y इक्वल टू ए टू सी वन, क्लियर। अब मैं सेकेंड इक्वेशन को a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो a1 a2x ए टू एक्स प्लस ए वन बी टू वाई इक्वल टू ए वन सी टू, इज इट ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा एंड बी वन ए टू वाई माइनस ए वन बी टू वाई इक्वल टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू। अब आपको y चाहिए तो y, सो बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू इक्वल टू ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू। नाउ द वैल्यू ऑफ y विल बी ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू अपॉन बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू। अगर मैं इसको ज़रा ध्यान से देखूं तो ये क्या है आपका, ये मेरा ए वन देखो, इसमें आप अगर माइनस कॉमन निकाल लो ना इस वाले में, क्योंकि जब मैं यहाँ से डिटरमिनेंट को ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन बनेगा, बट यहाँ पे उल्टा बन रहा है ना, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा और ये मेरा माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली आप नीचे से भी माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो ये प्लस का हो जाएगा और ये मेरा माइनस का हो जाएगा। अब आपका ये ऊपर वाला क्या बन गया, मेरा ये डिटरमिनेंट बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड नीचे वाला क्या बनेगा, देखिए आपका यू हैव ए वन बी टू, सो मैं ए वन यहाँ लिखूंगा, मैं बी टू यहाँ लिखूंगा एंड बी वन ए टू, सो आई विल राइट बी वन एंड ए टू, चेक करो ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, तो ये आपका वही आ गया वाई है ना। ये ऊपर वाला क्या है आपका डेल्टा वन ही तो है, नीचे वाला क्या है डेल्टा टू है ना ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है डेल्टा, तो ऐसे इसका ये आया है यहां से, ठीक है। सिमिलरली आप एक्स के लिए भी प्रूफ निकाल सकते थे, क्या करता मैं, जो पहली वाली मैट्रिक्स है, जो पहली वाली इक्वेशन है उसको मैं बी वन से मल्टीप्लाई कर, सॉरी बी टू से मल्टीप्लाई करता एंड दूसरी वाली इक्वेशन को मैं बी वन से मल्टीप्लाई करता, फिर मैं वहां से निकाल लेता, क्लियर है। तो ये ऐसे आता है आपका फॉर्मूला। सो व्हाट क्या करना है आपको, कि पहले डेल्टा निकालना है, फिर डेल्टा वन डेल्टा टू निकालना है, फिर जो मेरा x का वैल्यू है डेल्टा 1 बाई डेल्टा हो जाएगा एंड y का वैल्यू डेल्टा 2 बाई डेल्टा हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद देखिए कि कुछ आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कब मेरे सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कब मेरा कंसिस्टेंट होगा और कब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास दो केस बन सकते हैं। पहला केस कि जब मेरा डेल्टा का वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो। अनदर वो क्या बन सकता है आपका, जब मेरा डेल्टा का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू जीरो हो। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखिए जो एक्स इक्वल टू डेल्टा वन बाय डेल्टा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स डेल्टा, डेल्टा वन इज इक्वल टू एक्स डेल्टा। अब जरा सुनिए कि जब मेरा डेल्टा का वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू
जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, जब मेरा डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड अगर मेरा सॉल्यूशन यूनिक है तो वो सिस्टम कैसा होता है, मेरा कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड जो आपकी एक्स की वैल्यू आप निकालोगे डेल्टा वन बाय डेल्टा से, एंड वाई का वैल्यू आप निकालोगे डेल्टा टू बाय डेल्टा से, क्लियर है। नाउ अनदर थिंग इज कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, इफ डेल्टा इक्वल्स टू जीरो, तो आपके पास दो केस बन रहे हैं ना। पहला केस देखो, सबसे पहले आप डेल्टा निकालोगे ना तो दो केस बन सकते हैं आपके, पहला तो कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही हो आपकी इक्वल टू जीरो, दूसरा केस डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है आपको नॉट इक्वल टू जीरो। तो जो मेरा नॉट इक्वल टू जीरो आएगा ना उस सिचुएशन में जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर है, कंसिस्टेंट होगा और आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड थिंग कि जब मेरा डेल्टा का वैल्यू जीरो है एंड जो मेरा डेल्टा वन है वो भी जीरो है, एंड जो आपका डेल्टा टू है वो भी जीरो है, क्लियर है। जब आपका डेल्टा भी जीरो, डेल्टा वन भी जीरो और मेरा डेल्टा टू भी जीरो, तो देखिए तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये भी मेरा जीरो है डेल्टा वन भी, एंड एक्स इंटू ये भी आपका जीरो है, तो आप एक्स की कुछ भी वैल्यूज पुट कर लो ये हमेशा मेरा सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। सो मेरी एक्स की क्या कितनी वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी आप एक्स की वैल्यूज इसमें पुट करो, सो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स। सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग कि जो आपका डेल्टा टू इज इक्वल टू वाई डेल्टा, एंड इफ डेल्टा टू की वैल्यू जीरो है एंड वाई इंटू जीरो, तो इसमें भी मेरी वाई की वैल्यू कितनी भी आप पुट कर सकते हो, देर आर इनफाइनाइट वैल्यूज फॉर वाई जिसपे ये सेटिस्फाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो मेरे पास वाई की भी कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, काफी सारी इनफाइनाइट पॉसिबल्स हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब मेरा डेल्टा भी जीरो, मेरा डेल्टा वन भी जीरो एंड मेरा डेल्टा टू भी जीरो, तो जो मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे आपके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। और अगर मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इन दैट सिचुएशन यू हैव कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्लियर है। और अब आप उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपने मैट्रिक्स मेथड में पढ़ा है कि आप किसी भी एक वेरिएबल को क्या मान लो वाई को, उसका मान लो आप एक कोई रियल नंबर मान लो। सो व्हाट विल आई डू, सॉल्यूशन कैन बी फाउंड बाय पुटिंग वाई इज इक्वल टू के एनी रियल नंबर एंड गेट एक्स इन द टर्म ऑफ के, क्लियर है, बात समझ आई थ्योरी, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस पर, बट अभी ये आप समझ गए होंगे ना कि जब मेरा डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा वन भी जीरो है और डेल्टा टू भी जीरो है, तो मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे होता है, क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये भी आपका जीरो, ये भी आपका जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो मैं एक्स की कुछ भी वैल्यूज पुट करूं हमेशा ये सेटिस्फाई करेगा, इसलिए जो एक्स की नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज है वो इनफाइनाइट है। सिमिलरली डेल्टा टू इक्वल्स टू वाई डेल्टा, अगर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो वाई की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो हमेशा क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। इसलिए इस वाली सिचुएशन में मेरा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलता है, क्लियर हुआ। नाउ लेट्स सी दिस वन कि इफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो एंड एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल्स टू जीरो, सो इस वाली सिचुएशन में देखिए क्या होगा कि इफ डेल्टा वन इक्वल्स टू एक्स डेल्टा है, अब जो मेरा डेल्टा है वो कितना है जीरो है, एंड डेल्टा वन क्या है आपका नॉन जीरो, डेल्टा वन क्या है आपका नॉट इक्वल टू जीरो। अब जरा सोचिए कि एक्स इंटू सम जीरो, एक्स इंटू जीरो क्या होगा आपका जीरो ही होगा ना, कि किसी भी स्केलर रियल नंबर को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आपका जीरो ही होगा। बट ये लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है, ये नॉट इक्वल टू जीरो,
तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कोई नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू, कोई नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आपकी जीरो के इक्वल हो जाए, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेट मी जस्ट रिपीट दिस, डेल्टा वन इक्वल्स टू एक्स डेल्टा, मैंने क्या माना है कि जो मेरे डेल्टा वन की वैल्यू कितनी है, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। आप अपनी मर्जी से कोई भी मान लो, मान लीजिए मैंने क्या मान लो मैं इसको, लेट्स से आई एम पुटिंग दिस वैल्यू पी, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि जो मेरा डेल्टा वन की वैल्यू है ना वो पी है, ठीक है, तो पी इज इक्वल टू एक्स इंटू जीरो। अब आप खुद सोचिए कि कोई आपका नॉन जीरो नंबर इक्वल टू जीरो कभी हो सकता है क्या? एक्स की किसी ऐसी वैल्यू पर ये पॉसिबल है क्या कि कोई मेरा नॉन जीरो नंबर आपका जीरो के इक्वल हो जाए? क्या ये कभी आपकी सिचुएशन, ये वाली कंडीशन जो है, ये कभी भी आपकी सेटिस्फाई करेगी क्या कि कोई नॉन जीरो नंबर इक्वल टू आपका जीरो हो जाए? कभी नहीं होगा ना। इसीलिए मेरे पास यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही। ऐसे ही आप उसको देख सकते हैं, डेल्टा टू इक्वल्स टू वाई डेल्टा को, ठीक है, कि अगर मेरा डेल्टा टू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो वाई इंटू जीरो, तो मेरे पास वाई की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं जहां पे नॉन जीरो नंबर इक्वल टू जीरो हो जाए कहीं। सो इन दिस सिचुएशन कि जो मेरा डेल्टा है वो जीरो है, एंड एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो, इस सिचुएशन में मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एंड अगर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इन दैट सिचुएशन वी हैव इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर नाउ, क्लियर है। सो हमने 2x2 का देख लिया कि जब आपके पास दो इक्वेशंस दे रखी होंगी तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेल्टा लिखेंगे। डेल्टा क्या होता है आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स। आफ्टर दैट यू विल फाइंड डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या है कि जो मेरा पहला कॉलम है ना डेल्टा का, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा जो मेरी कॉन्स्टेंट वाली मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट से। अगर फिर आपको डेल्टा टू लिखना है तो आप ऐसे करोगे, तो जो मेरा सेकेंड कॉलम है उसको रिप्लेस कर दोगे, क्लियर है। फिर जो आपका एक्स का वैल्यू है वो आता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा के इक्वल, वाई का वैल्यू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा के इक्वल। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आई है आपकी ये वैल्यूज, ठीक है। फिर आपकी सिचुएशन होती है कि जो मेरा डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो देन कंसिस्टेंट यूनिक, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। सो आई हैव अ क्वेश्चन कि सोल 2x minus y equal to 17 and 3x plus 5y equal to 6, क्लियर है, आपको इसको सोल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम क्या है मेरा कि यू हैव टू फाइंड डेल्टा। सो हाउ विल आई राइट डेल्टा, डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स, सो 2 minus 1 3 5, क्लियर है। नाउ 5 2 10, 5 2 10, माइनस माइनस से आपका प्लस का हो जाएगा प्लस 3, सो डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया मेरा 13, और ये डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 3, सॉरी डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्लियर। अब जो आपका यूनिक सॉल्यूशन है उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, तो उसके लिए आपको डेल्टा वन फाइंड करना पड़ेगा, क्लियर। सो यहां लिख देते हैं अपन डेल्टा वन, तो डेल्टा वन कैसे लिखूंगा कि जो मेरा पहला कॉलम है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉन्स्टेंट वाले मैट्रिक्स से, सो 17 6 माइनस 1 5, एंड 17 5 85 प्लस 6, सो दिस इज इक्वल टू 91। सिमिलरली आई विल ऑल्सो फाइंड डेल्टा 2, सो डेल्टा 2 कितना होगा आपका,
डेल्टा टू विल बी 2, 3, 17, 6। इस बार मैंने सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया क्योंकि मैं डेल्टा टू लिख रहा हूँ। सो 6 2 12, 6 2 12, 12 माइनस 51 एंड यू विल हैव माइनस 39। सो डियर स्टूडेंट्स, योर एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा विच विल बी इक्वल टू 91 अपॉन 13, तो ये आपका 7 हो गया। एंड योर वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा विच इज इक्वल टू माइनस 39 अपॉन 13, सो माइनस 3। तो आप ऐसे इसमें वैल्यूज फाइंड करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। अब बच्चों देखो, इसी सेम क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से भी आप कर सकते हो। इसी सेम क्वेश्चन को आप मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से भी कर सकते हो, इसीलिए आपके क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको किस मेथड से करना है। ठीक है, जो आपका ये क्रेमर्स मेथड है इसको डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि मैं डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा, इसलिए इस मेथड को आप डिटर्मिनेंट मेथड भी बोलते हो। सो जो क्वेश्चन है उसमें आपको मेंशन रहता है कि मुझे कौन सा इसमें यूज करना है। क्लियर है? सो लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग 5x माइनस 7y, 6 7x माइनस 5y इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड में भी करवाया था। ठीक है, अब हम लोग इसको क्रेमर्स मेथड से लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड डेल्टा, ये क्या आपका डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स। सो 5 माइनस 7, 7 माइनस 5। नाउ 5 इंटू माइनस 5 माइनस 25 प्लस 49, सो 4 2, हेंस डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो यू विल हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नाउ आई विल फाइंड डेल्टा 1, तो उसके लिए जो मेरा पहला कॉलम है उसको मैं रिप्लेस करूंगा कॉन्स्टेंट वाले से। सो 2 3 माइनस 7 माइनस 5, नाउ माइनस 10 प्लस 21 कितना आ गया आपके पास, 11 आ गया। नाउ डेल्टा 2, सो डेल्टा 2 विल बी 5 7, इस बार जो सेकंड कॉलम है उसको मैं रिप्लेस करूंगा कांस्टेंट वाले से। सो 2 3, 5 3 जा 15, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। सो योर एक्स विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा विच इज इक्वल टू 11 अपॉन 24 एंड वाई इज इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, सो 1 अपॉन 24। क्लियर है? ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से भी करवाया था। 11 अपॉन 24 एंड 1 अपॉन 24। क्लियर है? दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं हो तो मैंने इसकी सेम क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से भी करवाया हुआ है। क्लियर है? सो आपका ये क्लियर हो गया 2x2 मैट्रिक्स का। हाँ, अभी हम लोग चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो ये वो पहला वाला टाइप था जिसमें मेरे सॉल्यूशन कैसे आ रहे हो, यूनिक सॉल्यूशन मुझे मिल रहा हो। अब सेकंड क्वेश्चन लेते, देखिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, 4x माइनस 2y इक्वल टू 7। क्लियर है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड डेल्टा। सो डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशियंट मैट्रिक्स। सो 2 माइनस 1 4 माइनस 2, सो 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया आपका, -4। -4 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जो मैं डेल्टा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 0 आ गई। अब आप क्या फाइंड करेंगे, डेल्टा 1 फाइंड करेंगे। सो डेल्टा 1 विल बी 5 7 -1 एंड -2। सो जस्ट फाइंड दिस, 5 2 जा -10 -10 +7, सो दिस विल बी इक्वल टू -3। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो मेरा डेल्टा 1 आया दैट इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ आई विल फाइंड डेल्टा 2। सो डेल्टा 2 हो जाएगा मेरा 2 4 5 एंड 7, सो 7 2 जा 14 -20, सो दिस इज इक्वल टू -6। सो डेल्टा 2 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ कैसा केस बन रहा है मेरा, कि जो आपका डेल्टा है वो इक्वल टू 0,
मेरा डेल्टा वन नॉट इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड वाला केस कि जब मेरा डेल्टा जीरो हो एंड एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू नॉट इक्वल टू जीरो हो। सो इन दिस सिनेरियो वी हैव नो सॉल्यूशन एंड अवर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है? तो आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? आपके लिए होमवर्क क्या है, आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए जितने क्वेश्चंस मैंने आपको मैट्रिक्स मेथड से करवाए ना, उन्हीं सेम क्वेश्चंस को आप क्रेमर्स मेथड की हेल्प से भी करेंगे। क्लियर हो गया? नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। वी हैव 2x plus 3y equal to 5 and 6x plus 9y equal to 15। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको क्रेमर्स मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। सबसे पहले आप डेल्टा निकालोगे। सो डेल्टा इज 2, 3, 6, 9। 9 to 18 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ डेल्टा 1, डेल्टा 1 5, 15, 3, 9। 5 9 is 45, 45 माइनस 45, ये भी आपका जीरो हो रहा है। नाउ डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 विल बी 2, 6, 5, 15। सो 15 to 30, 30 माइनस 30, ये भी आपका जीरो हो गया। तो ये वाला कौन सा केस हो गया मेरा, कि जब आपका डेल्टा भी जीरो है, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, ये भी मेरा जीरो है। तो इन दिस सिनेरियो वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। We have infinite solutions and consistent system of equation. Clear? अब मैं जो solution है वो कैसे find करूँगा? तो मैंने आपको बताया किसी भी एक variable को आप real number मान लो। So I will let y equal to k. Let y equals to k. अब 2x plus 3k equal to 5. And x is equal to 5 minus 3k by 2. Clear? So, ये मेरा solution हो गया कि y is equal to k and x equals to 5 minus 3k by 2. अब, dear students, ये मेरा जो solution आया है, वो dependent है कि independent है? यहाँ पे जो आपके solution आए हैं, x और y की जो value चाहिए ना, वो depend कर रही है. So, these type of variables आर डिपेंडेंट टाइप इक्वेशंस। क्लियर हो गया? क्योंकि जो आपकी वैल्यू है y, x का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, k पर डिपेंड कर रहा है। एंड व्हाट इज k, k इज y। सो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है। दैट्स वाई दीज आर डिपेंडेंट इक्वेशंस। क्लियर? सो आप ऐसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको 2x2 मैट्रिक्स का तीनों टाइप इक्वेशंस बता दिए हैं। पहला जब आपका यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा मेरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तीसरा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अगर आपको ज्यादा और प्रैक्टिस करनी है तो आप जो मैट्रिक्स में जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, आप उन्हीं क्वेश्चंस को क्रेमर्स मेथड से सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप वहां से भी मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। सो 2x2 का कंप्लीट हो गया, मतलब आपके जो 2 इक्वेशंस दे रखी हो वहां से आप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अगर मुझे 3 इक्वेशंस दे रखी हो, तो डियर स्टूडेंट सेम वही बात है। ये आपका डेल्टा होगा, ठीक है? ये मुझे 3 इक्वेशंस दे रखी है। सो यू विल फाइंड डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। सो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर है? नाउ व्हाट विल बी डेल्टा 1? तो डेल्टा 1 है मतलब क्या होगा कि जो मेरा डेल्टा है उसका पहला कॉलम को मैं चेंज कर दूंगा विद द कोफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट से। सो आई एम राइटिंग डेल्टा 1, सो आई एम रिप्लेसिंग a1 a2 a3 बाय d1 d2 d3। नाउ डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 के लिए आप क्या करोगे कि जो मेरा सेकंड कॉलम है उसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है? सो a1 a2 a3 D1, D2, D3 मैंने चेंज कर दिया एंड थर्ड कॉलम आपका सेम रहेगा। एंड इफ आई एम राइटिंग डेल्टा 3,
तो इस बार क्या करूंगा कि जो मेरा तीसरा कॉलम है ना, थर्ड कॉलम, उसको मैं चेंज करूंगा, उसको मैं रिप्लेस करूंगा। सो जो थर्ड कॉलम है C1 C2 C3, उसकी जगह मैंने लिख दिया D1 D2 एंड D3। यहां तक क्लियर है? इसके बाद आपका वही काम रह गया कि जो मेरा x है, योर x विल बी इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y विल बी इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, एंड जेड विल बी इक्वल टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। क्लियर है? अब इसमें भी आपका वही केसेस आते हैं कि अगर मेरा डेल्टा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, अगर डेल्टा आपका इक्वल टू 0 है तो मेरे कैसे केसेस बनेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट सी कि अगर मेरा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका सेम वही कंसिस्टेंट सिस्टम है, यूनिक सॉल्यूशन है, और आप एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे, वाई की वैल्यू आप ऐसे फाइंड करेंगे, एंड जेड की वैल्यू आप ऐसे फाइंड करेंगे। ये सेम वही है, टू बाई जो मेरे टू मैट इक्वेशंस थी ना, सिमिलर वैसा ही है। टू में आपका ये होता है कि जब मेरा डेल्टा की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होता है एंड कंसिस्टेंट होता है। सेकेंड केस कि जब आपका डेल्टा का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 0, व्हेन योर डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा इक्वल्स टू 0 में आपके दो केसेस बनेंगे फर्दर कि जो आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाला है ना, उसमें से कोई भी एक, एटलीस्ट वन अगर आपका जीरो नॉन जीरो हो जाए, एटलीस्ट वन अगर आपका नॉन जीरो हो जाए तो मेरा सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा एंड नो सॉल्यूशन। सेम वही है आपका पहले वाले से, है ना? वहां यही था आपका कि अगर मेरा एटलीस्ट वन आउट ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 इज नॉन जीरो, देन वी हैव इनकंसिस्टेंट सिस्टम एंड नो सॉल्यूशन। याद कैसे रखेंगे आप कि डेल्टा 1 क्या है आपका, एक्स इंटू डेल्टा। क्लियर? मान लीजिए वी हैव डेल्टा 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो मान लो कोई नंबर है आपका ये डेल्टा इक्वल्स टू एक्स इंटू 0, तो डियर स्टूडेंट्स मैं एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर दूं एंड उसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है कि आपका क्या हो जाए, वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। हमेशा क्या होगा आपका, इक्वल टू 0 ही होगा। बट जो ना डेल्टा वो क्या है, नॉन जीरो, तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं होगी कि जिस पर क्या हो कि कोई नॉन जीरो नंबर आपका 0 के इक्वल हो जाए। इसीलिए मेरे सॉल्यूशन कैसे होंगे आपके, नो सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर? नाउ यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है, यहां आपका थोड़ा डिफरेंस आता है कि इफ डेल्टा 1 इक्वल्स टू डेल्टा 2 इक्वल्स टू डेल्टा 3। क्लियर है? तो हमने जब टू मैट इक्वेशंस वाला पढ़ा था तो वहां हमने बताया था कि यहां पे आपके सॉल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे एंड यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। बट इन द केस ऑफ थ्री इक्वेशंस यू कैन आइदर हैव कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? और अगर मेरा कंसिस्टेंट है तो मेरे सॉल्यूशन हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है? बात समझ आ गई कि जब मेरे तीनों जीरो हैं तो या तो आपका कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। इफ कंसिस्टेंट है देन यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर आपका इनकंसिस्टेंट है तो नो सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो फिर हम लोग ये जज कैसे करेंगे कि आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? तो उसके लिए आपको वही करना है जैसे हम लोगों ने मैट्रिक्स मेथड में किया था, क्या कि आप किसी भी एक वेरिएबल को एक रियल नंबर मान लेंगे के, फिर क्या करेंगे कि जो आपकी इक्वेशन है वो मेरी दो वेरिएबल्स में रिड्यूज हो जाएगी, क्योंकि आपने जेड को के मान लिया तो मेरे वेरिएबल्स कितने रह जाएंगे, फिर दो वेरिएबल्स रह जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना है कि आप किन्हीं भी दो इक्वेशंस को सोल्व करो विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, सोल्व एनी टू इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल एंड गेट वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। सिमिलर है मैट्रिक्स मेथड से, वहां हम लोगों ने यही करना है कि किन्हीं भी आप दो इक्वेशंस को सोल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड एंड आप एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करते हो। इसके बाद क्या करना है कि जो मेरा वेरिएबल्स का वैल्यू आया है
If those values satisfy the third equation, then we have consistent system with infinite solution. Otherwise you have inconsistent system. Clear है? ऐसा मैं देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास दो इक्वेशन हो, है ना, दो इक्वेशन हो, तो उसमें क्या होता है कि हमेशा मेरा सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा. मतलब अगर ये कंडीशन है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा. क्योंकि इस वाले सिचुएशन में क्या होता है कि जो मेरा ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इक्वल्स टू सी वन बाई सी टू होता है, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ कोलिनियर लाइन्स. क्लियर है? बट अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहां मेरा इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि कोई मेरी दो लाइंस एक ही प्लेन में हो बट आपकी जो तीसरी लाइन है ना वो किसी दूसरे प्लेन में हो. ऐसा हो सकता है ना कि अगर मेरी दो लाइंस तो क्या हो, एग्जैक्टली कोलिनियर हो, बट जो मेरा तीसरा लाइन है, जो मेरा तीसरा लाइन है ना वो क्या हो, आपका कहीं दूसरे प्लेन में हो. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा जब आपकी तीनों लाइंस क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो. क्लियर हुआ कि जब मेरे तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे क्लियर कट करेगी तो वहां मुझे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. एंड जब आपकी तीनों लाइन एक ही, तीनों लाइन क्या हो आपकी कोलिनियर हो, तीनों ही लाइन मेरी कोलिनियर है, तो उस सिचुएशन में मुझे क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे. अब ऐसा भी तो हो सकता है कि दो लाइंस आपकी कोलिनियर हो, तीसरी लाइन क्या हो अलग हो, एंड इन दिस सिचुएशन यू विल हैव नो सॉल्यूशन. इज इट ओके? तो इसीलिए जो मेरा है कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है. उसके लिए आपको चेक करना पड़ता है. कैसे चेक करोगे कि आप किन्हीं भी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ के मान लो, आफ्टर दैट क्या होगा कि जो मेरी तीन वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस है ना वो आपकी दो वेरिएबल्स में रिड्यूस हो जाएगी, फिर मैं किन्हीं दो इक्वेशंस को सोल्व कर लूंगा एंड यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. नाउ आई विल पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इन टू द थर्ड इक्वेशन. इफ दे सेटिस्फाई देन यू विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. क्लियर हो गया? अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं. सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन. वी हैव 3x प्लस y प्लस z इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 1 एंड योर थर्ड इज 4x प्लस y माइनस 3z इक्वल टू माइनस 11. इज इट ओके? नाउ लेट्स चेक दिस आउट. तो सबसे पहले आप डेल्टा लिखेंगे, तो डेल्टा क्या बनेगा मेरा, 3 1 1 2 माइनस 4 3 4 1 माइनस 3. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा. सो 3 इंटू माइनस 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 माइनस 3 आपका 9. ये आपकी माइनस वाली पोजिशन, सो माइनस 1 इंटू दिस, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, माइनस 6 माइनस 12, माइनस 6 माइनस 12 इज माइनस 18. नाउ प्लस 1 इंटू 2 प्लस 16, सो 9 3 जार 27, 27 प्लस 18 प्लस 18. क्लियर? इज इट ओके? सो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लो, 2 प्लस 16 18 18 एंड माइनस 1 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 प्लस 18 3 12 12 माइनस 12 माइनस 3 9 9 3 जार 27. सो जब आपने डेल्टा 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस माइनस 63 आएगा. नाउ डेल्टा 2, डेल्टा 2 कैसे मिलेगा कि जो आपका सेकंड कॉलम है उसको मैं रिप्लेस करूंगा यहां से. ठीक है? सो यू विल हैव 3 2 4 3 2 4, 2 माइनस 1 माइनस 11, 1 3 माइनस 3 आपका सेम. अब इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग द फर्स्ट रो, यू विल हैव 3 इंटू 3 प्लस 33 माइनस 2 इंटू माइनस 6
-6 -12 -6 -12 -6 -12 -18 +1 × -22 +4 So this will be 36. 36 × 3 108. 108 + 36 - 18. So 108 + 18. This will be 126. Clear है? Now you will find the value of delta 3. तो उसके लिए जो मेरा third column है, उसको मैं replace करूँगा. So 324 1 - 4 1 2 - 1 - 11. एंड प्यारे बच्चों जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो आपको मिलेगा 63 × 3 9 3 3 9 9 6 18. जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 189. क्लियर है? अब देखिए डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू जीरो, तो मेरा सॉल्यूशन कैसा है? यूनिक सॉल्यूशन. तो कैसे फाइंड करेंगे आप? एक्स का वैल्यू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा से, एंड योर डेल्टा वन इज -63 अपॉन डेल्टा का वैल्यू 63. सो दिस विल बी इक्वल टू -1. वाई इज इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, एंड योर वैल्यू ऑफ डेल्टा टू इज 126 अपॉन 63 इक्वल टू 2. जेड का वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा से. सो 189 अपॉन 63 एंड यू विल हैव 3. एट द लास्ट यू विल राइट x = -1, y = 2 एंड z = 3. सो दिस इज द सॉल्यूशन. क्लियर है? सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो अभी हमारा इस चैप्टर में क्या बाकी रहता है कि जो आपका 3 वाला इक्वेशंस है ना, उसमें हमें ये चेक करना कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम कैसे हैं, और अगर आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको आप कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है? तो ये 2 या 3 क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसके कमेंट जरूर करें, अपना फीडबैक जरूर दें. अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट हो तो उसके लिए भी आप कमेंट मुझे कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय.